सबसे पहले बात उस सवाल की जिसने सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी, और सवाल यह है सितंबर के तीसरे हफ्ते में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। तारीख 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023, जगह देश की नई संसद, मौका संसद का विशेष सत्र। पाकिस्तान सरकार को अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर संसद का मानसून सत्र खत्म होने के एक महीने के भीतर ही संसद के विशेष सत्र की नौबत क्यों आई? क्या सितंबर महीने में कुछ बड़ा होने जा रहा है? आखिर मोदी सरकार क्या करने जा रही है? ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन गुरुवार को दोपहर 3:18 पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का ट्वीट आया और अटकलों का नया दौर शुरू हो गया। खुद सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों तक को खबर नहीं थी कि आखिर अचानक सरकार ने संसद के विशेष सत्र की तारीख क्यों मुकर्रर कर दी। मुझे अभी बिल्स के बारे में तो जानकारी नहीं है, मुझे भी अभी संसद टीवी के माध्यम से ही पता लगा है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और जब संसद का सत्र शुरू होता है तो निश्चित रूप से सभी सांसद उसमें पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। जो भी विषय होगा उसकी सूची आ जाएगी और उस हिसाब से तैयारी करके सब लोग जाएंगे। तो फिलहाल किसी को नहीं पता कि संसद के विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट से बस इतना पता चला, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक होगा। इस विशेष सत्र के दौरान संसद की 5 बैठकें होंगी। ये है कि जो पांचों इलेक्शंस स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, तो पॉलिटिकली कोई इंपॉर्टेंट चीज पार्लियामेंट को उसके पहले करना हो, फिर स्पेशल सेशन बुला करके कोई बहुत ही अर्जेंट जो लेजिस्लेटिव वर्क है गवर्नमेंट करना चाहती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि असेंबली के इलेक्शंस के साथ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन। कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विशेष सत्र बुलाया है। उस सेशन में एक ही विषय होगा, अडानी पर जेपीसी, तो वो चलता रहेगा। फिलहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन क्या ऐसी अर्जेंसी है, सरकार इसकी बारे में जानकारी देगी। चर्चाएं इसलिए भी जोर पकड़ रही हैं क्योंकि इससे पहले संसद का विशेष सत्र सिर्फ 4 मौकों पर बुलाया गया, 28 फरवरी 1977 से 1 मार्च 1977 राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दी गई, 3 जून 1991 से 4 जून 1991 राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें हरियाणा में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई, 26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997 आजादी के 50 साल पूरे होने पर बुलाया गया, 30 जून 2017 जीएसटी पर स्पेशल मिडनाइट सेशन बुलाया गया। पार्लियामेंट के इतिहास में कभी भी त्योहार के समय, वो नवरात्रि हो या गणपति हो, पार्लियामेंट का सेशन कभी हुआ नहीं। अब इन्होंने गणपति के त्योहार में, सब पूजो त्योहार से भी गणपति की आराधना करने का जो कार्यकाल होता है उस 11 दिन में इन्होंने अपना अधिवेशन लगाया, ये इनका हिंदू। संसद का ये विशेष सत्र दिल्ली में होने वाली G20 देशों की शिखर बैठक के एक हफ्ते के बाद होने वाला है। वैसे अब से पहले जब भी संसद का विशेष सत्र हुआ उसकी कोई ना कोई विशेष वजह भी रही, लेकिन इस बार क्या स्पेशल है ये अभी पहेली है। संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और सभी नेताओं को सत्र के दौरान दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।